गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एप्पल इवेंट के बारे में जो कल हुई थी, कौन से प्रोडक्ट लॉन्च गया हुआ है वो मैं क्या बोलते हैं आज यहाँ बात करने वाला हूँ। साथ में क्या बोलते हैं कुछ एक बड़ी सी चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ सबसे पहले लॉन्च हुई है आईफोन SE 2022, क्या आईफोन SE 3 भी आप बोल सकते हैं, बट क्या होता है यार बहुत कमाल का फ़ोन यहाँ देखने को मिलेगा। देखते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ मैं प्रोसेसर के बारे में बात करूँ, यहाँ आपको A15 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा जो क्या बोलता है आपका आईफोन 13 में भी लगा गया है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, परफॉर्मेंस आईफोन 8 ये सबसे बहुत ऊपर है, GB परफॉर्मेंस में भी ऊपर है हर एक फ़ोन से। गेमिंग तो आप पूछिए मत, गेमिंग तो यार कमाल का, ये फ़ोन में आप गेमिंग कर सकते हैं। गाइस डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, डिज़ाइन यहाँ आपको क्या होता है पहले वाले आईफोन SE के तरह ही दिखने को मिलेगा गाइस। साथ में क्या होता है इसका जो बैक ग्लास है वो क्या होता है आईफोन 13 में यूज़ किया गया है, वो सेम ग्लास आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। IP67 रेटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ में क्या होता है वही यार ट्रेडिशनल वाला यार ऑफिशियल वो बटन बीच में जो होता है आईफोन का वो। साथ में बैटरी लाइफ को भी यहाँ इंक्रीज किया गया है। साथ में सबसे बड़ी क्या होता है अफोर्डेबल आईफोन के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा 5G। हाँ गाइस 5G देखने को मिलेगा। साथ में इसमें कैमरा के बारे में बात करूँ तो यहाँ क्या होता है आपको कैमरा भी बहुत कमाल का दिखने को मिलेगा। इफ़ आपने क्या होता है मेरा इंस्टाग्राम चेक नहीं किया उसमें जाके आप देख लीजिए क्या होता है, वहाँ मैंने क्या होता है पूरा स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ दिया गया है। साथ में क्या होता है आपको यहाँ दिखने को मिलेगा iOS 15। यार मैंने iOS 13 को ऑलरेडी क्या होता है जो iOS 15 है उसको मैंने यूज़ किया है। साथ में क्या होता है बहुत अच्छा लगा मेरे को ये OS। साथ में आपको यहाँ 3 कलर दिखने को मिलेगा, रेड ब्लैक वाइट, कमाल का फ़ोन है यार। दूसरी तरफ भरते हैं, दूसरी तरफ यार सबका फेवरेट हो रहा है टैबलेट जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही है, यहाँ क्या होता है आपको देखने को मिलेगा iPad Air 5। हाँ गाइस 5 बोलो क्या एयर बोलो, 5 है 5 एयर, कमाल का है। इसमें क्या होता है सबसे बड़ा अपग्रेड यार, कमाल का अपग्रेड यहाँ आपको देखने को मिलेगा M1 चिप। हाँ गाइस जो क्या होता है iPad प्रो में भी लगा गया था। साथ में क्या होता है इसमें आपको दिखने को मिलेगा 60% बड़ा परफॉर्मेंस आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। कैमरा के बारे में मैं बात करूँ, यहाँ क्या होता है आपको फ्रंट कैमरा जो है वो आपको दिखने को मिलेगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो क्या होता है आपका वीडियो कॉल ये सब में क्या होता है बहुत अच्छा हेल्प करेगा क्वालिटी बढ़ाने के लिए। साथ में यहाँ मैं बात करूँ यार कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ कनेक्टिविटी आपको 5G दिखने को मिलेगा। ऑफकोर्स गाइस 5G जो है वो क्या होता है फीचर होने वाला है, साथ में कभी ना कभी एक साल दो साल बाद में हम लोग क्या होता है 6G देखने को देख सकते हैं वो ओवरऑल वर्ल्ड। साथ में क्या होता है SSD से आप क्या होता है बहुत स्पीडली क्या होता है ट्रांसफर कर सकते हैं आपका लैपटॉप से SSD से क्या होता है आपका iPad में 2x फास्टर ट्रांसफर आप यहाँ कर सकते हैं। साथ में यार अच्छा है ये कि क्या होता है आपको SSD से ट्रांसफ़र करना ये सब जो होता है ये सब अच्छा होता है यार, काम भी इजी हो जाता है लैपटॉप ये सब का कोई झंझट नहीं होता है। एक्सेसरीज़ के बारे में यहाँ बात करूँ तो एक्सेसरीज़ आपको यहाँ क्या होता है वो मैजिक कीबोर्ड्स होते हैं ना एप्पल के वो आपको यहाँ क्या होता है कनेक्टिविटी देख सकते हैं कनेक्ट करके यार यूज़ कर सकते हैं। साथ में क्या होता है वो एप्पल पेंसिल आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, कुछ अपग्रेड शायद से हुआ होगा क्योंकि यहाँ इन्होंने बताया तो नहीं है बट क्या होता है यार अपग्रेड ऑफकोर्स हुआ होगा यार और स्मूथ हुआ होगा वो यूज़ करने में बहुत मज़ा है। साथ में क्या होता है iPad OS यहाँ आपको दिखने को मिलेगा, मैंने iPad OS यूज़ नहीं किया है बट जिसके पास iPad है मैंने उनसे पूछा कि iPad OS कैसा है, उन्होंने बोला यार बहुत अच्छा है। साथ में आपको यहाँ बहुत सारे फीचर्स आपके यहाँ दिखने को मिलेगा इसी iPad के अंदर, टैबलेट यार निकल जाता है यार फ्यूचर वही है ना यार। साथ में मैं बात करूँ यार फ्यूचर के बारे में तो यहाँ क्या होता है एप्पल ने निकाल दिया है M1 अल्ट्रा। गाइस M1 अल्ट्रा जो है ना वो क्या होता है डुअल है, मतलब दो M1 मैक्स को मिला के एक क्या होता है M1 अल्ट्रा होता है। गाइस इसमें बात करूँ यार 20 कोर CPU परफॉर्मेंस है इसका, अप टू 64 कोर GPU परफॉर्मेंस है यार। साथ में यार बहुत है यार 5 नैनोमीटर में ये बेस्ट है, 5 नैनोमीटर में यार क्या क्या हो सकते हैं क्या जाने, फ्यूचर में हम लोग इसको 4 नैनोमीटर में देख ले। साथ में यार थंडरबोल्ट 4 देखने को मिलेगा आपको यहाँ, साथ में यार 2.5 TB इंटरनल प्रोसेसिंग यहाँ आपको दिखने को मिलेगा, 128 GB मेमोरी आपको स्पीडिंग यहाँ दिखने को मिलेगा। बहुत है यार ये यार
क्या निकाल दिया एप्पल आपने यार, बहुत कमाल का यहाँ क्या होता है आपने निकाला है गाइस। इफ मैं बात करूँ दूसरी तरफ, यार दूसरी तरफ ये मेरी फेवरेट है। इफ आप मेरे को अभी बोलोगे ना अभी मैं खरीद लूंगा, यहाँ मैं आपसे बात करने वाला हूँ, गेस करो यार क्या है, क्या है? मैक स्टूडियो के बारे में यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, हर एक चीज के बारे में। साथ में यहाँ मैं क्या होता है बात करने वाला हूँ डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले है स्टूडियो डिस्प्ले, यार क्या डिस्प्ले है यार, यार कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है यार, मैक स्टूडियो और क्या होता है स्टूडियो डिस्प्ले के साथ। इफ मैं यहाँ सबसे पहले बात करूँ यार मैक स्टूडियो के बारे में, इसकी जो लेंथ है वो आपको यहाँ दिखने को मिलेगा 7.7 इंचेस और जो हाइट है वो आपको दिखने को मिलेगा 3.7 इंचेस के साथ। यार बहुत है अच्छा है। साथ में यार नीचे की तरफ यहाँ कुछ फीचर्स है, नीचे की तरफ आपको यहाँ क्या बोलते हैं एयर विंड्स का आपको दिखेगा जो क्या होता है विंड को अंदर लेगा। साथ में अंदर डुअल फैंस आपको दिखने को मिलेगा, वो जो क्या आपका जो बड़ा प्रोसेसर है ना प्रोसेसर उसको क्या होता है ठंडा करके दूसरी तरफ जो ऊपर जो आपका विंड्स है उसके तरफ से इसको निकाल देगा, तो यार आपका ठंडा रहेगा। साथ में इसमें पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, पोर्ट्स आपको थंडरबोल्ट 4 दिखने को मिलेगा, 4-4। साथ में नेट का क्या था कनेक्शन मिल जाता है, साथ में आपको USB-A दिखने को मिलता है, एक HDMI पोर्ट दिखने को मिलता है, साथ में क्या था प्रो जैक भी आपको दिखने को मिलता है ऑडियो, साथ में आपको साइड में एक बटन भी दिखने को मिल जाता है पावर ऑन ऑफ। सामने के बारे में बात कर रहे हो तो सामने की तरफ आपको यहाँ 2 पोर्ट्स दिखने को मिलेगा सामने के, यार ये चाहिए था मेरे को, वो है USB-C, ये भी थंडरबोल्ट 4 के साथ ज्वाइंट होता है। साथ में उसके साइड में एक चीज़ है उसके बारे में मैं बात करूँ तो वो है आपका SSD के लिए, मतलब आपका जो SD कार्ड होता है ना गाइस उसके लिए यार एक क्रिएटर को क्या होता है वो चाहिए होता है, तो ये पोर्ट्स आपको यहाँ दिखने को मिलेगा। साथ में यहाँ परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ आपको 2 प्रोसेसर के साथ दिखने को मिलेगा चूजेबल, एक है M1 मैक्स है, एक है M1 अल्ट्रा जो नया निकला है एप्पल की तरफ से, यार वो यार मिल जाए, प्राइस बहुत है, क्या प्राइसिंग के बारे में मैं बात बाद में करूँगा यार। इसके पहले बात करूँ यहाँ आपको वाईफाई 6 दिखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.0 दिखने को मिलेगा, अप टू 8 TB SSD स्टोरेज आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, यार क्या यार 8 TB स्टोरेज यार, 20-core CPU परफॉर्मेंस आपको दिखने को मिलेगा, 64 प्रोसेसर आपको 64-core आपको GPU परफॉर्मेंस यहाँ दिखने को मिलेगा, और भी बहुत कुछ है बट यहाँ मैं पूरे डिटेल्स के साथ नहीं जा रहा हूँ। गाइस दूसरी तरफ बढ़ते हैं डिस्प्ले की तरफ। हाँ गाइस डिस्प्ले की तरफ, यार यार ये जो डिस्प्ले है ना यार बहुत कमाल का, ये देखिए आंटी ने भी कर दिया है बहुत कमाल का। डिज़ाइन के बारे में सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ क्या था आपको डिस्प्ले, साथ में एक स्टैंड आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, ये जो स्टैंड है ना यार कमाल का स्टैंड है, मैं बात करूँ ये बहुत कुछ कर सकता है, ये जो है ये क्या होता है 0 degree से 30 degree टिल्ट हो सकता है गाइस। साथ में यहाँ जो अलग एक और एक स्टैंड आता है दूसरा टाइप का स्टैंड है ये क्या होता है आपका, ये भी बहुत इजीली अप डाउन साइड ये कर सकते हैं, साथ में आप इसको क्या होता है हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं बहुत कमाल का है, मतलब ये फीचर्स जो चाहिए था एप्पल ने सुना है। साथ में क्या होता है 1 billion कलर्स, यार 1 billion कलर्स आपको यहाँ दिखने को मिलेगा, 27 इंचेस का आपको यहाँ डिस्प्ले दिखने को मिलेगा, 5K डिस्प्ले है गाइस 5K। सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ लगी यहाँ आपको क्या होता है 6 speaker साउंड सिस्टम दिखने को मिलेगा, 6 speaker यार इफ मैं बजाऊंगा तो एक स्पीकर का काम कर देगा यहाँ। साथ में क्या होता है USB पोर्ट्स आपको यहाँ दिखने को मिलेगा 4 पीछे की तरफ। साथ में इसमें ना यार A13 प्रोसेसर लगाया गया, A13 बायोनिक लगाया गया है बहुत सारे परफॉर्मेंस के लिए, यार आपका क्या होता है डिस्प्ले यार 1 billion यार कैसे करेगा। साथ में क्या होता है 64W पावर डिलीवरी क्या होता है वाया थंडरबोल्ट लोग यार एप्पल का बहुत अच्छा लगता है मेरे को। साथ में यार P3 वाइट कलर्स आपको देखने को मिलेगा, यार ये जो चीज़ है ना यार बहुत कमाल का यार एप्पल ने निकाला है इसी इवेंट में। साथ में यार इफ आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को यार सब्सक्राइब कर लो यार, इफ गंदा लगा होगा तो यार मेरे को माफ़ कर देना बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। यार ऐसे कमाल की वीडियोस मैं लाते रहूँगा, बीच में कोई दिक्कत हुई होगी यार कुछ भी हुआ होगा मेरे साथ यार वीडियोस नहीं आ रही थी। साथ में क्या होता है इफ़ ये वीडियो में मेरे को कोई दिक्कत हुआ होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बोलिए, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। मेरा नाम था अमन, आप देख रहे थे डिजिटल ट्यूशन, बाय बाय।